तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताना हूँ व्हाट्सएप के नए फीचर के बारे में, या फिर बोल सकते हैं व्हाट्सएप के नए अपकमिंग फीचर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। मैं आगे आपको व्हाट्सएप के कुछ ऐसे फीचर बताऊंगा जो कि कुछ लॉन्च हो चुके हैं जो कि सिक्योरिटी रिलेटेड है, और कुछ नए फीचर जो कि बहुत ही यूजफुल है जो आगे जाके लॉन्च होने वाले हैं, या फिर बोल सकते हैं आगे जाके अपडेट में लाइव होने वाले हैं। तो क्या क्या ये नए अपडेट्स हैं या क्या क्या नए फीचर्स हैं सब आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले मिले। और यार व्हाट्सएप पर जरूर मुझे फॉलो कर लेना ताकि आपको पता तो चले कि आपके भाई ने वीडियो अपलोड कर दी और आपको सबसे पहले पता चले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला जो फीचर है वो है पास की को लेके। थोड़ा पुराना हो चुका है, मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ, बट बहुत ही काम का फीचर है। अब पास की के लिए मैं यहाँ पर अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कहाँ जाना है। सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है या अकाउंट सेक्शन में, अकाउंट सेक्शन में जाने के बाद आपको मिल जाएगा पास की का ऑप्शन। अब ये पास की होता क्या है, यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है सिंपल वे टू साइन इन सेफली। इसका काम यह है कि अगर आपने कोई पास की क्रिएट कर ली तो आप कभी भी अपने, मतलब जैसे होता है ना कि हमारा मोबाइल का ऐप डिलीट हो गया हो, या हमने अनइंस्टॉल करके दोबारा व्हाट्सअप इंस्टॉल किया हो, या मोबाइल हमने चेंज कराओ और हमें व्हाट्सअप मोबाइल चेंज कराओ और हमें अपना व्हाट्सअप को चलाना हो, बट हमारे पास हमारे नंबर पे ओटीपी नहीं आ रहा है या मोबाइल हमारे पास नंबर अवेलेबल नहीं है और हमें व्हाट्सअप चलाना है, तो उस चीज़ के लिए बहुत काम का है ये। आपको क्विकली अपने इनेबल करेगा और आपको बता देगा कि क्विकली आप उसको ईजिली अपने पासवर्ड को क्रिएट करो और जब भी आपको लगे आप डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ क्रिएट पास की पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्रिएट पास की पे क्लिक करेंगे वो आपसे अपना नंबर बता ही रहा है, आपको नीचे आपकी आईडी आ जाएगी जैसे कि दिख रहा है, जो भी आपकी जीमेल ऐड की है। अगर आपके दो तीन अकाउंट है तो आपको यहाँ पर क्लिक करके अपना अकाउंट चूज कर लेना है कि कौन से अकाउंट पे आपका पासवर्ड सेव हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जीमेल आईडी जो आप चूज़ करेंगे वो आईडी लॉगिन होनी चाहिए जब भी आप पास की का यूज़ करें। तो आपने वो चूज़ कर लेना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद फिर एक मैसेज आएगा, Use your screen lock for encryption। तो आपको यहाँ पर अपने स्क्रीन लॉक का ऑप्शन को देना पड़ेगा ताकि वो उसकी एक्सेस के थ्रू, उसके थ्रू वो वर्क कर पाए। और आपने इसको परमिशन दे दिया तो जो भी आपके मोबाइल का आईडी, जो भी मोबाइल का आपका पासवर्ड है या पिन है या पैन या पैटर्न है या जो भी आपने लगा के रखा है वो उसके थ्रू वह काम करेगा। यहाँ कुछ एरर चल रहा है पर इस तरीके से ये काम करेगा। उसके बाद दोस्तों बात करें सेकेंड ऑप्शन की या सेकेंड फीचर की, जो कि ये है दोस्तों। आपको बता हुआ व्हाट्सएप पे एक नया फीचर आया था जिसके अंदर आप वीडियो मैसेज भेज सकते थे, या बोल सकते हैं वॉइस स्टेटस की तरह अपना वीडियो मैसेज भेज सकते थे 30 सेकंड का या 60 सेकंड के अंदर तक, जो कि राउंड में था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था वो कैसे आप देख सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर ये मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली अपनी, आप देख रहे होंगे ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, और ऐसा आप वीडियो मैसेज भेज सकते थे किसी को भी 60 सेकंड तक के लिए। आप देख रहे हैं ये मैसेज आप भेज सकते थे, बट हो क्या रहा था, अब इस मैसेज को भेजने के लिए आपको क्या करना रहता था, उस मैसेज को भेजने के लिए जो आपका यहाँ पर ये स्क्रीन दिख रही है ना, आपको यहाँ पर वन टाइम टैप करेंगे तो जाके वीडियो पे आएगा, तो वन टाइम टैप करेंगे तो ये जाके वहाँ पर माइक पे आएगा। तो किसी किसी को तो ये अपडेट में मिल गया और किसी किसी को मिला और चला भी गया। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा तो उसके लिए आपको बैक आके यहाँ जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर चैट्स वाले ऑप्शन पे, और वहाँ पर आपको मिल जाएगा इंस्टेंट वीडियो मैसेज वाला ऑप्शन। आप इसको ऑफ या ऑन कर सकते हैं, अगर ऑफ कर देंगे तो आपको वहाँ वीडियो मैसेज वाला ऑप्शन यूज़ नहीं कर पाएंगे, और इसको ऑन कर देंगे तो आप वहाँ जाके उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड जो बताने वाला हूँ वो भी चैटिंग को लेके है और बहुत ही शानदार फीचर है। वो कैसे है, मान लो आप किसी के साथ चैटिंग कर रहे हैं और चैटिंग करने के बाद, जैसा कि हर बार बोला जाता है कि व्हाट्सएप की जो कन्वर्सेशन होती है इनक्रप्टेड रहती है। इनक्रप्टेड मतलब कि कुछ डिजिटल या बायो, इनक्रप्टेड मतलब कि कुछ ऐसे कोड में होती है जिसको कोई भी डिकोड नहीं कर सकता, दोनों के पास इन सेम कोड मिलेंगे तो ही जाके वो कन्वर्सेशन कोई पढ़ सकता है। तो यहाँ पर जैसे मान लो मैं किसी चैट पे आऊँ और आप देखेंगे आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इनक्रप्टेड वाला। तो पहले क्या होता था, आप जब भी क्लिक करते थे अगर आउटडेटेड वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या बताएगा, आपको वेरीफाई करने के लिए एक अलग से ऑप्शन देगा और सारे कोड आपको दिख रहे होंगे। अगर आप देखेंगे आपके पास ये ऐसा दिख रहा होगा, अब क्या हो गया, ऑटोमेटिक वेरीफाई हो रहा है एंड टू एंड इंक्रिप्शन पास ऑटोमेटिक वेरीफाई। मतलब कि मैंने जिस कॉन्टैक्ट का स्कैन किया है, जिस कॉन्टैक्ट में जाके मैंने वेरीफाई किया और उसका और मेरा
मिल चुका है इनक्रप्शन कोड और अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों की चैट कोई भी नहीं पढ़ सकता, कोई तीसरा बंदा, तो इसका मतलब ये होता है। तो ये फीचर भी रोल आउट होना चालू हो गया और धीरे धीरे सबको ये मिल जाएगा। प्राइवेसी रिलेटेड बहुत ही शानदार ये वाला फीचर है। उसके बाद दोस्तों बात करें फोर्थ फीचर की, जो कि आपको यहां पर दिखा रहा हूं। अब आपको कोई भी व्हाट्सएप पे वीडियो मैसेज भेजता है, या बोल सकते हैं अगर वीडियो भेजता है, तो आप वहां पर, पहले क्या होता था यार, हमें कुछ देखना हो तो हमें पहले गैलरी में आके उसको आगे बढ़ा के देखना हो तो गैलरी में आके देखना होता था। अगर आप व्हाट्सएप पर चलाते थे तो आपको आगे बढ़ाने का ऑप्शन नहीं मिलता था। अब वहां पर आपको क्या कर दिया गया है, प्लेयर जैसा ऑप्शन दे दिया है। जैसे कि देख रहे हैं, वन बाय टैप करके आप 10 सेकंड के आगे वीडियो बढ़ा सकते हैं, बैक साइड टैप करेंगे तो 10 सेकंड बैक कर सकते हैं, और नीचे स्क्रॉल बार से आप फटाफट आप कहीं से भी पार्ट में वहां पर स्किप और सर्च कर सकते हैं वीडियो प्लेयर के अंदर। तो ये फीचर भी नया जल्दी आने वाला है। उसके बाद दोस्तों बात करें लास्ट फीचर की, जो कि बहुत यूजफुल है, वो है पिन मैसेज का। अब व्हाट्सएप पे आपको मिलने वाला है पिन मैसेज का ऑप्शन। पिन मैसेज मतलब, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे कि कहीं आपने किसी को मैसेज किया, मान लो किसी ने आपको कोई मैसेज किया और इसका काम 2 या 3 दिन के लिए आपको पड़ेगा, बाद में अगर आप भूल ना जाओ तो आप उस मैसेज को पिन कर लेंगे। पिन करने के बाद क्या होगा, वो मैसेज सबसे ऊपर आपको हाईलाइट होता रहेगा और हाईलाइट होता रहेगा, और उसमें एक ऑप्शन और दे दिया गया है कि आप कितने दिन तक के लिए पिन करना चाहते हैं, 7 days, 30 days, 24 days। अगर आप जिस दिन के लिए करना चाहते हैं उस दिन तक आप टिक कर लो, और उस दिन तक वो आपको पिन बताता रहेगा और पर्टिकुलर टाइम के बाद वो वहां से हट जाएगा। तो बहुत ही शानदार ये वाला फीचर है, बहुत जल्दी ये आने वाला है, फिलहाल ये अभी डेवलपिंग मोड पे है। तो यही कुछ नए फीचर्स है व्हाट्सएप की तरफ से, जो कि मैंने आपको बताया, आने वाले टाइम पे ये आपको सबको रोल आउट हो जाएंगे। और सबसे मेन चीज़, एक चीज़ बताना भूल ही गया, तो व्हाट्सएप का जो नया आप देखेंगे, व्हाट्सएप का जो मेन स्क्रीन है पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। आप देख रहे होंगे हल्का लाइट मैंने ब्लर कर दिया है, फिर भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा इसका पूरा परफॉर्मेंस, इसके कलर आइकन सब पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। मैंने आपको कुछ नए फीचर्स बताए, मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को पता होंगे। अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, ताकि और भी लोगों को ये अपडेट पता लग सके। तो थैंक यू सो मच।